हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगवाल आर्ट्स। तो सबसे पहले आप एक फ्रेम का ग्लास ले लीजिए, जो जिस साइज़ में आपको बनाना है ग्लास पेंटिंग उस साइज़ का आपको ग्लास फ्रेम ले लेना है। और ये कलर्स आ जाते हैं ग्लास कलर्स फेविक्राइल के, तो ये आ जाता है 10 बॉक्सेस का सेट आता है। इसमें जो 10 ट्यूब्स होती हैं ये आपको 110 रुपीज़ का मिल जाता है। इसमें 10 शेड्स होते हैं अलग अलग। और ऐसी ही एक सेट आता है 6 शेड्स का ग्लास कलर्स का, और ये आपकी MRP होती है इसमें 75 रुपीज़ की। ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, इसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और ये आती है 3D आउटलाइनर ब्लैक कलर की, तो ये दोनों ही पैकेट में अवेलेबल होती हैं, ये साथ में फ्री होती हैं इन बॉक्सेस के। और ये आ जाती है 3D आउटलाइनर, तो ये आपको मार्केट से अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। ये 20 रुपीज़ ईच आती है, इसमें आपको अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे। एक जो पीस आता है 20 रुपीज़ का होता है, तो आप इसमें अलग अलग कलर्स 3D आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें वाइट कलर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले आपको जो साइज़ बनाना है वो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए या फिर उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए, ताकि जब आप उसको ग्लास के ऊपर रखें तो आपको अच्छे से आसानी हो ड्रॉ करने में। जो भी आप 3D आउटलाइनर का यूज़ करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसमें अच्छे से आप देख के आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो आप हाथ से ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप प्रिंटआउट का यूज़ कर सकते हैं। और इतनी आपको गैपिंग छोड़नी होती है, क्योंकि अंदर थोड़ा सा फ्रेम में दबता है, तो हमेशा फ्रेम से थोड़ा सा अंदर को आप साइज़ लीजिए। अब हमने जितना भी ड्रॉ कर रखा है उसे 3D आउटलाइनर से हमें पूरा ड्रॉ करना है। 3D आउटलाइनर पूरा उसी लाइन के ऊपर बिल्कुल करेक्ट आपको आराम आराम से इस तरीके से बनाना है। जितनी भी लाइन्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं तो जिस तरीके से आप उसको यूज़ करिए, तो हमें पूरे में ही अप्लाई करना है। उसके बाद हम इसमें ग्लास कलर्स फिल करेंगे। आउटलाइनर 30 मिनट्स के ड्राई होने के बाद अब हम इसमें ग्लास कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप 3D आउटलाइनर का यूज़ करें तो 30 मिनट्स तक इसको ड्राई होने दीजिए। ये 30 मिनट्स में ड्राई हो जाता है प्रॉपर। अब हमें इसमें ग्लास कलर्स का यूज़ करना है, तो बस आपको सिंपली ग्लास कलर्स का इसमें यूज़ करना है। जहां आपको डिज़ाइन देना है वहां पे बस आपको फिल कर देना है, और कहीं पे भी अगर इसमें बबल्स आते हैं तो वो आप किसी पिन के सहारे उसको बबल्स को निकाल सकते हैं। और बस आपको बहुत सिंपल है ग्लास पेंटिंग का यूज़ करना है। जितना भी आपने जहाँ पे आपको कलर्स का यूज़ करना है वहाँ पे बस आपको इस तरीके से उसको फिल कर लेना है।
अब हमारी ग्लास पेंटिंग ड्राई हो चुकी है। 3 से 4 आवर्स तक आपको इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही आपको फ्रेम करना है। तो अब हम इसमें फ्रेम यूज़ करेंगे। जो ये फ्रेम का जो साइज़ था जिसमें मैंने ग्लास निकाला था, उसी फ्रेम में अब हमें इसमें फ़िट करना है। तो अब मैं पहले फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, जो इसके जो पीछे हुक हैं वो आप घर में भी खुद ही आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये जो क्लिप्स होती हैं, हुक होते हैं, वो आपको ओपन करने हैं और उसको निकाल लेना है। अब जैसे देखिए ग्लास पेंटिंग है, तो हम ज़्यादा क्या होता है फ्लिप करके लगाते हैं, उल्टा करके, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं, कैसा लगाना चाहते हैं। आपको डिज़ाइन अंदर चाहिए, वो डिज़ाइन बाहर चाहिए, जो 3D लुक आता है वो थोड़ा सा बाहर भी होता है। तो मैं इसमें बाहर ही रखूँगा डिज़ाइन, मैं इस बार इसमें फ़्लिप करके नहीं लगाऊँगा। तो इसमें मुझे डिज़ाइन बाहर रखना है, तो मैं वो सबसे पहले उसको फ़्लिप करके बाहरी की तरफ कर दे रहा हूँ। और इसमें बैकग्राउंड के लिए मैं एक वाइट पेपर का यूज़ करूँगा, आइवरी, उसी साइज़ का मैंने देखिए कटिंग कर ली है। आप चाहे तो वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, या भी कोई भी ग्लिटर शीट्स का लगा सकते हैं, मैंने और वीडियोस में भी आपको दिखाया है। लेकिन इसमें जिसमें जो सूट कर रहा होता है वो चीज़ आपको बैकग्राउंड लगाना है, मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया है। अब आप इसको सिंपली बंद कर दीजिए और देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब मैं जितनी भी इसमें जो क्लिप्स हैं वो मैं सारी लॉक कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से हमारी पेंटिंग रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आया है। तो जो भी आपके बैकग्राउंड में अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लग रहा हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। और आप इसमें देखिए फ्रेमिंग में गैपिंग मैंने जो ली थी स्टार्टिंग में, आप इसको पूरे शीशे में फिल ना करें, हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गैपिंग कर लीजिए और कुछ इस तरीके की पेंटिंग का आप लुक बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।